नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दूसरे के नाम पर नौकरी प्राप्त करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। कूट रचना कर बनाया फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र व पैन कार्ड, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित अन्य दस्तावेज किए बरामद, भेजा जेल। जनपद में राप्ती और सरयू नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। रोहिन नदी का पानी उतार पर कई गांव में नदियों का पानी तेजी से घुसने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जिला आपदा प्रभारी ने कहा 25,000 बाढ़ राशन किट को बांटने का दिया गया है आदेश। लगभग 8,000 राशन किट का कर दिया गया है वितरण। बाढ़ की पानी की वजह से बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच के रूट को किया गया है ब्लॉक। पूर्वोत्तर रेलवे की एक ट्रेन हुई निरस्त, रूट बदल कर चलाया जा रहा है लंबी दूरी की ट्रेनों को। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक निर्वाचन के निर्वाचन नामावली के परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की महत्वपूर्ण बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। संपन्न कहा नामावली के संशोधन परिवर्धन और विलोपन में सभी लोग गंभीरता से करें मदद, इसके लिए फॉर्म भी कराई जा रही है उपलब्ध। दीपावली और छठ में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए 57 स्पेशल ट्रेनें चला रही है पूर्वोत्तर रेलवे। यात्रियों की बढ़ी है डिमांड, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। और हर घर खादी कार्यक्रम की पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने की शुरुआत। कहा सभी नागरिकों को एक कपड़ा जरूर पहनना चाहिए खादी का, खादी वस्त्र ही नहीं है विचार। अब खबरें विस्तार से। एसटीएफ गोरखपुर शैक्षिक प्रमाण पत्र व पैन कार्ड को कूट रचित कर दूसरे के नाम पर नौकरी प्राप्त करने वाले फर्जी अध्यापक को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में गोरखपुर एसटीएफ के प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ज्ञान प्रकाश, अतीश पुत्र शिवजी यादव, शाकिन ग्राम मठमेला थाना गढ़वार जनपद बलिया के रूप में हुई है, जिसके पास से एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, एक परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी, ज्ञान प्रकाश अतीश के नाम से शैक्षिक दस्तावेजों की फोटोकॉपी, दो मोबाइल फोन, 260 रुपये नगद बरामद किया गया है। एसटीएफ प्रभारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया कार्यालय से शिक्षकों के बारे में अभिलेख प्राप्त किए गए तथा अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ कि जयप्रकाश यादव सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पूरे रसड़ा बलिये में नौकरी कर रहा है, जिसका वास्तविक नाम ज्ञान प्रकाश अतीश है, जो जयप्रकाश यादव पुत्र हरीन्द्र यादव निवासी ग्राम श्रीनगर थाना सलीमपुर जनपद देवरिया के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहा है। इस सूचना को और विकसित कर ज्ञान प्रकाश अतीश, जो जयप्रकाश यादव के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले BRC कार्यालय पकवा इनार गेट के पास जनपद बलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका वास्तविक नाम ज्ञान प्रकाश अतीश है। हाई स्कूल की परीक्षा 2006 बाल विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल रतन बलिया से एवं वर्ष 2008 में इंटरमीडिएट की परीक्षा रामदास इंटर कॉलेज सक्रिया नंबर 1 बलिया से एवं स्नातक परीक्षा किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्षा गढ़वार बलिया से पास किया है। उसने अपनी नौकरी के लिए दस्तावेज स्वयं और राजू यादव पुत्र राम रतन यादव साकिन रक्षा रतसई बलिया को उपलब्ध कराए थे। राजू यादव ने ही शैक्षिक दस्तावेज जयप्रकाश यादव के नाम का उपलब्ध कराया था। फिर इन लोगों द्वारा BA के अंक पत्र में हेर फेर की कूट रचना करके वह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रसड़ा जनपद बलिया पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोरखपुर के SDF प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह, आशुतोष तिवारी, अविनाश तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह, रणधीर सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे।
जनपद में राप्ती और सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं रोहिन नदी का पानी उतार पर है। नदियों में पानी के बढ़ने का असर तटवर्ती गांव में पड़ा है। आपको बता दें कि ऐसे कई गांव में नदियों का पानी तेजी से घुसने लगा है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद में करीब 120 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान 74.98 मीटर है। बुधवार को 75.79 मीटर नदी का पानी का स्तर था। बहरामपुर दक्षिणी के प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस जाने से बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है तथा ग्रामीण नाव से अपना जरूरी कार्य कर रहे हैं। जिसके संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि नदी में जलस्तर बढ़ने से पूरे गांव में पानी आ गया है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से एक हफ्ते से घर में कैद है। उन्होंने कहा कि पानी में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, बाहर से राशन सामग्री लाने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई देखने तक नहीं आया और ना ही अभी तक राहत सामग्री मिल पाया है। वहीं एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी के किनारे ना जाएं, जिससे किसी प्रकार का अनहोनी हो ना सके। और जनपद के 40 गांव बाढ़ ग्रसित हो गए हैं। वहां पर 25,000 बाढ़ राशन किट को बांटने का आदेश दे दिया गया है और लगभग 8,000 राशन किट का वितरण कर दिया गया है तथा बाकी जगहों पर शीघ्र ही वितरण कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दक्षिणी बहरामपुर के ग्रामीण नाविक रामदीप और गीता एवं एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नदी बढ़ रही है ना, इमरजेंसी पड़ गई लगा। इमरजेंसी अभी नायक सहारा बा, बस और कौन सहारा है। कितना नाव दिया गई सरकार को, मतलब प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा यह खाली हम ही भरी। Thank you.
कौन सा गांव है? बहरामपुर, दक्षिणी बहरामपुर। क्या नाम है आपका? राम जी। बाढ़ आया हुआ है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? अरे भाई, दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। हर साल पानी बढ़ल व घटा है? मैं बढ़ल बा। कोई अधिकारी आए मिलने आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। राहत सामग्री मिलता है वो मिला अभी नहीं। कितना परेशानी होला बाढ़ के? अब बाढ़ में तो साहब, अब मनो आप देखबे करल जात, नाव न रहे तो हम लोग भूखन मर जाए जाई, उतर जाए आ जा नहीं पावल जाए। नाव आप चलाते हैं? हाँ। नाव प्रशासन की तरफ? हाँ हाँ। क्या व्यवस्था मिलती है आपको? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। गीता। कौन सा गाँव है? बहरामपुर। बाढ़ आया हुआ है? हाँ। बाढ़ कितनी परेशानी हो रही, कितने दुख? अरे बहुत परेशानी बा, कुछ अब कैसे कहल जाए परेशानी। बाढ़ तो आई लो परेशानी तो बा, एक हफ्ता से कहीं जा ही नहीं मिला, खाली घर में है। चारों तरफ पानी? हाँ चारों नदी बढ़ी, पानी बढ़ा के घटा है? बढ़ाता भाई। हाँ। क्या साधन से आप कोई सामान अगर लाना हो? साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। जब शाम सुबह के बोला देता है नहीं तो नहीं है, तो वैसे खैली भी ना मरल जाएगा। कैसे आती जाती हैं अगर कुछ काम पड़ता होगा तो? अरे क्यों बोला जाते आई नहीं तो नहीं आई, तब नहीं आई उसे टहल जाला। नाव से? हाँ नाव से। हाँ। कोई अधिकारी आए आपसे? क्यों नहीं आई लहल। राहत सामग्री मिलता है बाढ़ में? हाँ नहीं भाई नहीं। नमस्कार, मैं राजेश, ईडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ, और आज 12 अक्टूबर 2022 है। आज भी जो जनपद की नदियाँ हैं, राप्ती घाघरा दोनों का ही जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, अर्थात उनका जलस्तर बढ़ रहा है। मेरा अनुरोध है गांव के सभी लोगों से कि कृपया नदी के किनारे या नदी पर ना जाएं, जिससे वो सुरक्षित रहें। ऐसे सभी गांव जो मैरून्ड हो गए हैं, जनपद के लगभग 40 गांव हैं जहां पर लगभग 25,000 राशन किट का आदेश दे दिया गया है, जो शीघ्र ही वहाँ पर पहुँच रही हैं। लगभग 8,000 का वितरण कर दिया गया है, शेष जगह शीघ्र ही वितरण कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ मैरुंड गांव हैं और गांव के निवासियों की मांग है, स्थानीय स्तर पर, तहसील के स्तर पर मांग के अनुरूप आपूर्ति की जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे की बाढ़ की पानी की वजह से एक ट्रेन निरस्त हुई, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से कुछ समस्या आया है, जिसमें बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच में जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से उस रूट को ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण बुधवार को एक ट्रेन कैंसिल हुई है। मंगलवार को 3 ट्रेन कैंसिल थी, जिसमें गोमती नगर नकहा जंगल ट्रेन निरस्त है। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, बाकी जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनका मार्ग परिवर्तन करके चलाया जा रहा है। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है, सभी महत्वपूर्ण पुल पर वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को नदियों के जलस्तर के बढ़ने व घटने की सूचना मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन पेट्रोलिंग के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए सदैव तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी लगातार बारिश की वजह से कुछ समस्या आई है, बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच में एक जगह जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से वो सेक्शन ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। अगर आज की बात करें तो केवल एक ट्रेन कैंसिल है, कल 3 ट्रेनें कैंसिल की गई थी। ये गोमती नगर नकहा जंगल एक्सप्रेस आज निरस्त है। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, स्पेशली जो पैसेंजर ट्रेन सुबकपुर और गोरखपुर के बीच में, नकहा जंगल के बीच में चलती थी, उसको बढ़नी के आगे निरस्त किया गया है। वो बढ़नी से नकहा जंगल के बीच में चलाई जा रही है। बाकी जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं उनका मार्ग परिवर्तन करके चलाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है। इज्जत नगर मंडल के एक सेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम आई है, वहाँ भी एक ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था, और फर्दर हम लोग जैसे भी सिचुएशन रहेगी उसके बारे में सूचित करेंगे। लेकिन जो भी लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो हम आप लोगों के माध्यम से आमजन को सूचित करेंगे। जहां तक जलस्तर की निगरानी का प्रश्न है तो उस पर हम लोग लगातार उसकी निगरानी करते हैं। सभी महत्वपूर्ण ब्रिजेज पे हमारे वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को सूचनाएँ मिलती हैं। साथ ही साथ जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं
हैं वहाँ पर स्टेशनरी पेट्रोल मैन या मॉनसून के दौरान जो सेक्शन आइडेंटिफाइड होते हैं वहाँ पेट्रोल मैन लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को अपडेटेड सूचना रहती है कि पानी की क्या स्थिति है वहाँ पर, उसकी निगरानी रेलवे पूरी तरह से करता है। रेलवे पूरी तरह से तत्पर है कि यात्रियों को संरक्षित एवं सुरक्षित यात्रा उनकी पूर्ण हो सके। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दूसरे के नाम पर नौकरी प्राप्त करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। कूट रचना कर बनाया फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र व पैन कार्ड, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित अन्य दस्तावेज किए बरामद, भेजा जेल। जनपद में राप्ती और सरयू नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। रोहिन नदी का पानी उतार पर कई गांव में नदियों का पानी तेजी से घुसने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जिला आपदा प्रभारी ने कहा 25,000 बाढ़ राशन किट को बांटने का दिया गया है आदेश। लगभग 8,000 राशन किट का कर दिया गया है वितरण। बाढ़ की पानी की वजह से बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच के रूट को किया गया है ब्लॉक। पूर्वोत्तर रेलवे की एक ट्रेन हुई निरस्त, रूट बदल कर चलाया जा रहा है लंबी दूरी की ट्रेनों को। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक निर्वाचन के निर्वाचन नामावली के परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की महत्वपूर्ण बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। संपन्न ने कहा नामावली के संशोधन परिवर्धन और विलोपन में सभी लोग गंभीरता से करें मदद, इसके लिए फॉर्म भी कराई जा रही है उपलब्ध। दीपावली और छठ में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए 57 स्पेशल ट्रेनें चला रही है पूर्वोत्तर रेलवे। यात्रियों की बढ़ी है डिमांड, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। हर घर खादी कार्यक्रम की पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने की शुरुआत। कहा सभी नागरिकों को एक कपड़ा जरूर पहनना चाहिए खादी का, खादी वस्त्र ही नहीं है विचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक निर्वाचन के निर्वाचन नामावली के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में समस्त राजनीतिक दल, नगर निगम के पार्षद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा आगामी निर्वाचन के भावी प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम, नगर पंचायत, स्नातक निर्वाचन और भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन नामावली के संबंध में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य परिसीमन के उपरांत तैयार की गई है। नगर निगम और नगर पंचायत मतदाता सूची के आधार पर BLO द्वारा घर घर सत्यापन करके परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई की जा रही है जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। स्नातक निर्वाचन मतदाता सूची में 7 नवंबर तक परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई किया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का कार्य 7 नवंबर से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी से अनुरोध किया गया है कि नामावली के संशोधन में परिवर्धन एवं विलोपन में गंभीरता से सभी लोग मदद करें तथा सभी जगह पर वोटर बढ़ने हैं, इसके लिए फॉर्म भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह, तहसीलदार चौरी चौरा नीलम तिवारी, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोगों को, जो प्रत्याशी है जिनको चुनाव लड़ना है, वे लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक, हमारे इस जनपद में कुल 65 केंद्र हैं स्नातक निर्वाचन के लिए, प्रत्येक ब्लॉक में है और शहरी क्षेत्र में अन्य ढेर सारे स्कूलों में है। कौन कौन से में है वो सूचना हम कैसे इन लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, एक बार फॉर्म लेने के लिए जाना पड़ेगा और दोबारा फॉर्म भर करके देने जाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण इसमें केवल ये है कि आपका जो मार्कशीट है या डिग्री है वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा उस पर मतलब प्रमाणित होना चाहिए।
यदि आपको गजेटेड ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी तहसील में जा सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में जा सकते हैं, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के और सामने सामने उनसे उसमें ना थोड़ा सा, इसलिए कि ये स्नातक लोगों का चुनाव है और नॉर्मली पूरे 17 जनपद में है भरा हो रहा है। मेरा अनुरोध है अभी इस महीने के अंत तक वो भरा जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा ही समय दे दिया जाता है उतना ज़्यादा वो स्थिति रहती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए आज इस बैठक को हम लोगों ने आहूत किया हुआ है वो है आपकी नगर निगम और नगर पंचायतों की हमारी 7 नवंबर को फाइनल हो जाएगी। ठीक, तो स्नातक लोगों को आप मैसेज करा दें, संदेश करा दें कि वो लोग इसमें मतदाता बन जाएं। तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नामों का डिलीशन करा दें, जैसे रेलवे में है, रेलवे में हमारे बूथ पर 20% मतदान होता है, कार्मल में 20% मतदान होता है, इसका मतलब पहले चर्चा कर देना फिर तो नगर निगम पर पूरा समय लेंगे ही लेंगे। हमारे जनपद में कुल 11 नगर पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होगा, उन्होंने इनको उन गांवों की जो मतदाता सूची थी तो हमने उनको उपलब्ध करा दी है, वही हमारी एक तरह से बेस मतदाता सूची है। थोड़ा उसमें पंचायतों में इस बात की संभावना ज्यादा है कि आदमी गांव का भी वोटर बन जाए और नगर का भी वोटर बन जाए। हमने यही कहा है कि उसी को वोटर बनाया जाए जिनका नाम उस नगर की विधानसभा निर्वाचन नाम लगना भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आपका नाम तो किस गांव में है, अब आप करें तो आपका नाम चौंका में जोड़ लिया जाए, तो ये पता चल जाएगा कि इनको वास्तव में जांच कर ली जाए कि चौंका का समस्या घर है या पीपी नगरी का घर है भी या नहीं। ठीक है, तो ये संदेश जरूर चला जाए कि फर्जी नागरिक का होता है कोई भी प्रत्याशी है वो पहला प्रयास यही करता है कि फर्जी वोटर बन जाए और वो हमारे ही बन जाए। हमने ये मैसेज किया है कि उनका नाम ही जुड़ा है जो भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में हो। नमस्कार, मैं राजेश एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। अभी नगर निगम सभागार में नगर निगम, नगर पंचायतें, स्नातक निर्वाचन और भारत निर्वाचन आयोग की जो विधानसभा निर्वाचक नामावली है इसके संबंध में पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से और अन्य जो गणमान्य लोग थे उनसे वार्ता हुई है। उनको समस्त सूचनाएँ दे दी गई हैं कि जैसे नगर निगम और नगर पंचायतें हैं इनका 20 अक्टूबर तक नाम बढ़ाने का, नाम विलोपित करने का, संशोधन करने का कार्य होना है। स्नातक निर्वाचन में 7 नवंबर तक होना है और भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का कार्य 7 नवंबर से प्रारंभ होना है। इस प्रकार की मोटी मोटी जानकारियां इन लोगों को दे दी गई हैं और ये अनुरोध किया गया है कि निर्वाचक नामावली के संशोधन में, परिवर्धन में, विलोपन में गंभीरता से सभी लोग मदद करें। धन्यवाद। वोटर बढ़ने के लिए हमने फॉर्म इन लोगों को बता दिए हैं कि कौन से फॉर्म से वोटर जुड़ेंगे, बढ़ेंगे, किससे विलोपित होंगे और जिन लोगों को फॉर्म की आवश्यकता उनको फॉर्म उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए 57 स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, दशहरा अभी समाप्त हुआ है, दीपावली व छठ आने वाला है, जिसको देखते हुए बड़े महानगरों में आने जाने के लिए डिमांड बढ़ी है, जिसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे अनेकों विशेष गाड़ी चला रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा 57 ट्रेनों का शेड्यूल बना है जिसको अलग अलग स्टेशनों के लिए चलाया जा रहा है। यह ट्रेनें हावड़ा, चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कोयम्बटूर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। मेरा यात्रियों से अपील है कि स्पेशल ट्रेनों का ध्यान रखें, जो इस समय रेगुलर ट्रेन चल रही है उसमें वेटिंग अधिकतर हो जा रही है, लोगों को सही समय पर टिकट मिल सके रेलवे के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे प्रतिदिन अखबारों में रेलवे साइट के माध्यम से लोगों को सूचित करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दशहरा अभी समाप्त हुआ है और दीपावली और छठ आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए यात्रियों की मांग बढ़ी है बड़े महानगरों से यहाँ आने के लिए या यहाँ से जाने के लिए।
इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अनेक विशेष गाड़ियां चलाई हैं। अगर पूर्वोत्तर रेलवे की मैं बात करूं तो लगभग 57 ट्रेन अभी तक हम लोगों ने नोटिफाई की हैं जो शेड्यूल्ड हैं, जिनको अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए चलाया जा रहा है। सभी महानगरों जैसे कि हावड़ा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, मुंबई, कोयम्बटूर, सभी जगह के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। सभी यात्रियों से अपील है कि जब भी इस दौरान अपना यात्रा प्रोग्राम बनाएं तो उस समय स्पेशल ट्रेनों का ध्यान रखें, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेनें अभी चल रही हैं उसमें वेटिंग लिस्ट ठीक ठाक जा रही है, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको सही प्रकार से टिकट मिल सके और आपकी यात्रा सुगम और सुखद हो सके, इसके लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रही है और उसी क्रम में लगातार स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की जा रही हैं और उसको NTES के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेलवे का जो आधिकारिक फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से भी हम लोग आम जन को सूचित कर रहे हैं कि जो भी स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने हर घर खादी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि खादी केवल वस्त्र ही नहीं, यह विचार है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से भी कहा है कि वह खादी कपड़ों का प्रयोग करें। स्थानीय उत्पाद के आधार पर जो बातें आती हैं उसको हम सभी लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, जिसके लिए शासन ने भी लोकल फॉर वोकल का अभियान चलाया है। खादी यहाँ का उत्पाद है, उत्पाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार ने बंद हुए कमीशन को भी देने की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बुधवार से हर घर खादी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी लोग एक वस्त्र खादी का पहने, जिसको देखते हुए खादी कपड़े को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 40% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे सभी नागरिकों से अपील है कि एक कपड़ा खादी का पहने, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। इससे भारत का पैसा भारत में रहेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, कितना पड़ी, कितना डेढ़ सौ चालीस नहीं, कहीं टिकाऊ कहीं जाने वाला नहीं है यह खादी। मैंने अपना पूरा स्टोर ODOP के लिए दे दिया है। खादी वस्त्र नहीं विचार है, यह शब्द आया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सांसदों तक को इस बात के लिए आग्रह किया कि देखिए स्थानीय उत्पाद के आधार पर जो बातें आती हैं उसको हम सभी लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। इसी नाते उनका वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए आप लोगों को बोलना चाहिए। खादी भी यहाँ का उत्पाद है तो उस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस नाते भारत सरकार ने बंद हो गए खादी के जो कमीशन है उसको भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर के ही श्रीमान रमा शंकर शुक्ल जी ने इस बात को कहा था कि हम चूँकि यह कार्य कर रहे हैं इस नाते खादी के वस्त्र को सभी लोग स्वीकार करें, भले ही ये कई वस्त्र लें लेकिन स्वीकार करें। उस क्रम में आज इन्होंने खादी के वस्त्रों का एक प्रदर्शन किया है, यहीं पर वो उनका टेलर भी है, वो नाप लेगा और इसमें 40% छूट भी ये दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां गांधी आश्रम इत्यादि में थोड़ी छूट कम है लेकिन ये उससे अधिक दे रहे हैं, 30 से 40 को बढ़ा करके 40% दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए सराहना मैं इनकी करता हूँ और खादी को प्रधानमंत्री जी के आह्वान के आधार पर जो प्राथमिकता देने का काम ये कर रहे हैं इसके भी प्रशंसा के पात्र हैं। देखिए संदेश की स्थिति ये है कि पहले हम लोगों सभी लोगों के परिवार में चरखा, अंबर चरखा ये रहा करता था और उससे लोगों को वस्त्र भी मिलता था और वस्त्र के साथ ही साथ लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती थी, वो बंद हो गया। आज धीरे धीरे पुनः प्रधानमंत्री के आह्वान पर उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ही नहीं
बल्कि राष्ट्रपति तक जा कर के गुजरात में बापू के आश्रम में वहाँ चरखा कातने का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति जी भी इसको बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री बढ़ावा देते हैं, तो मेरा यह मानना है कि सभी लोगों को कम से कम एक वस्त्र जरूर खादी का पहनने का काम करना चाहिए, जिससे ये लगे कि यहाँ के उत्पाद को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारा यह पैसा यहीं पर रहे, बाहर न जाए, मिलों का पैसा जो बाहर जाता है वो न जाए, भारत का पैसा भारत में रहे, तो इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दूसरे के नाम पर नौकरी प्राप्त करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। कूट रचना कर बनाया फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र व पैन कार्ड, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित अन्य दस्तावेज किए बरामद, भेजा जेल। जनपद में राप्ती और सरयू नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। रोहिन नदी का पानी उतार पर कई गांव में नदियों का पानी तेजी से घुसने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जिला आपदा प्रभारी ने कहा 25,000 बार राशन किट को बांटने का दिया गया है आदेश। लगभग 8,000 राशन किट का कर दिया गया है वितरण। बाढ़ की पानी की वजह से बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच के रूट को किया गया है ब्लॉक। पूर्वोत्तर रेलवे की एक ट्रेन हुई निरस्त, रूट बदल कर चलाया जा रहा है लंबी दूरी की ट्रेनों को। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक निर्वाचन के निर्वाचन नामावली के परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की महत्वपूर्ण बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। संपन्न ने कहा नामावली के संशोधन परिवर्धन और विलोपन में सभी लोग गंभीरता से करें मदद, इसके लिए फॉर्म भी कराई जा रही है उपलब्ध। दीपावली और छठ में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए 57 स्पेशल ट्रेनें चला रही है पूर्वोत्तर रेलवे। यात्रियों की बढ़ी है डिमांड, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। हर घर खादी कार्यक्रम की पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने की शुरुआत। कहा सभी नागरिकों को एक कपड़ा जरूर पहनना चाहिए खादी का, खादी वस्त्र ही नहीं है विचार। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।